क्रैश में ना जाने कितने लोगों की जान गई है। और अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे सीडीएस जनरल थे बिपिन रावत जी, उनकी भी इसी हादसे में मौत हो गई है, जो कि देश के लिए काफ़ी बड़ी दुखद घटना है और दुखद समाचार है। लोग उसकी वजह से काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि उनकी जो आखिरी यात्रा जा रही थी तो लोगों ने उनको काफ़ी अच्छी श्रद्धांजलि दी है और काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आए थे। तो खैर, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे, जिसके कारण देश ऐसे लोगों को खोना पड़ गया है जो कोहिनूर से कम नहीं थे। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि हाल ही में हमने जनरल बिपिन रावत को खो दिया है, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। ये हादसा तमिलनाडु के पास एक गांव में हुआ है। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा ये है कि इंडिया में ऐसे 8 कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो एयर क्रैश में मारी गई हैं और काफ़ी धक्का लगा है देश को उनके जाने से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे लिए से पहले नंबर पर सीडीएस बिपिन रावत जी हैं, जिनकी हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, उनके साथ और भी और मेंबर्स थे, जिसके कारण जिसमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा है और इसका इलाज चल रहा है फिलहाल अभी हॉस्पिटल के अंदर। तो दूसरे व्यक्ति हैं जिनका प्लेन क्रैश के दौरान डेथ हुई थी, वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बारे में कई अटकलें हैं, मतलब काफ़ी सारे रूमर्स हैं। उनमें से एक ये है कि 1945 में ताइवान के पास कहीं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो तीसरी इंडियन पर्सनैलिटी वो थी जिसकी प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, वो थी संजय गांधी। इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी की जो डेथ है वो 1980 में हुई थी, जब उनका ग्लाइडर क्रैश हो गया था, जिसने दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, उसके बाद ही उसका क्रैश हुआ था। तो जो चौथी इंडियन पर्सनैलिटी जिसका प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, वो थे वाईएस राजशेखर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम की जो डेथ है जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश से हुई थी, करीब 27 घंटे तक हेलीकॉप्टर लापता रहा था और उसके बाद सीएम की डेड बॉडी मिली थी लोगों को। और ये जो बात बता रहा हूँ मैं आंध्र प्रदेश के सीएम की, ये 2009 की बात है। तो जो पांचवें इंडियन पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो थे माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। माधवराव सिंधिया की जो डेथ है वो 2001 में प्लेन क्रैश में हुई थी। ये हादसा कानपुर में एक रैली के लिए जाने के दौरान हुआ था। तो जो छठी इंडियन पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी, वो थे जीएमसी बालयोगी, लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम के नेता की जो डेथ है 2002 में हुई थी, और जो कि बता चुका हूँ मैं जीएमसी बालयोगी थे, और इनकी डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण। तो जो सातवें इंडियन पर्सनैलिटी जिनकी डेथ प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी, वो थी सुरेंद्र नाथ, पंजाब के गवर्नर सुरेंद्र नाथ। उनके परिवार की जो डेथ है वो प्लेन क्रैश में हुई थी, जो पहाड़ से टकरा गया था। इस एक्सीडेंट के अंदर सभी लोगों की जो डेथ है वो हो गई थी। और ये जो इंसिडेंट है ये 1994 में हुई थी हिमाचल प्रदेश में, और जो प्लेन जा रहा था इनको लेके, उसके अंदर 8 लोग थे और 8 के 8 लोगों की डेथ हो गई थी। तो आठवीं इंडियन पर्सनैलिटी है जिनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश के अंदर, वो थे ओपी जिंदल। 2005 में सहारनपुर के पास एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। इस विमान में इनके साथ, बल्कि उनके साथ ही और उस समय ही कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह भाई भी मौजूद थे। तो जो अगली इंडियन पर्सनैलिटी है जिनकी प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, वो थे डोरजी खांडू। ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे 2011 में, और इनके पास एक पर्सनल हेलीकॉप्टर था जो 5 दिनों के लिए लापता हो गया था। फिर चीन के बॉर्डर के पास इनका हेलीकॉप्टर मिला और वहाँ ये डेड पाए गए। तो ये 9 ऐसी इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी डेथ प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुई है, और इनके जाने से देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि सब देश के लिए ही काम कर रहे थे एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि कोई गवर्नर था, कोई सीएम था उस समय तो भैया थोड़ा बहुत ठीक ही था। अब तो ये है कि सब हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली, तो भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी ग्रो करा है चैनल। जितना ग्रो मेरा चैनल करेगा मैं उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूंगा, उतनी रिसर्च करके दूंगा अच्छे से। बाकी इस वीडियो को सिर्फ इतना ही आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, मेटी लगी तो आप पता क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।